वेलकम बैक टू माई चैनल। तो स्प्रिंग आ चुकी है और वेदर भी खुल चुका है थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग निकल चुके हैं न्यूयॉर्क घूमने के लिए। और अभी हम लोगों ने अपना स्टेट जो पेंसिल्वेनिया है वो क्रॉस कर लिया है और हम लोग पहुंच गए हैं। वेलकम टू न्यू जर्सी। इन 1.5 miles टेक द 36th स्ट्रीट एग्जिट फॉर I-495 ईस्ट डाउनटाउन। तो अभी हम लोगों ने एंटर कर लिया है टनल के अंदर और ये पानी के बीचों बीच बना हुआ है और ऊपर पानी पानी है और हम लोग पानी के नीचे हैं तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो बस वेलकम टू न्यूयॉर्क, टेक द 36th स्ट्रीट एग्जिट, देन यूज द लेफ्ट टू लेन्स टू टर्न लेफ्ट ऑन टू वेस्ट 36th स्ट्रीट। 34th है ना। इन अ क्वार्टर माइल टर्न राइट ऑन टू 7th एवेन्यू फैशन एवेन्यू। तो गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग आ गए हैं देखने गगनचुंबती इमारतों को और अभी हम लोग अपने टिकट दिखा रहे हैं और यहीं पे हमें ना हाथ पे बांधने के लिए बैंड भी इन्होंने दिए हैं जो आगे चल के स्कैन वगैरह होंगे। और हम लोगों ने अपनी टिकट वगैरह भी ले ली है और अब ये लोग हमारी टिकट चेक कर रहे हैं, साथ में ही हम लोगों को शू कवर भी दे रहे हैं क्योंकि जो कांच की बिल्डिंग है उस पर स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए ना, तो इसीलिए सब लोगों ने शू पे अपने कवर पहन लिए। और सिक्योरिटी के यहाँ पे बहुत अच्छे ना इंतज़ाम किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो अपना वैक्सीनेशन कार्ड लेके आइए क्योंकि यहाँ पे चेक हो रहा है, कई लोगों का चेक हुआ है, हमारा तो खैर नहीं चेकिंग हुई बट काफ़ी लोग यहाँ चेक करवा रहे हैं। अब हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं और ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हम लोग ना स्पेसशिप होती है ना उसके अंदर जा रहे हैं, पूरा स्पेस वाली फीलिंग आने लग गई है। और अब हम लोग लिफ्ट के अंदर हैं। कुछ ही सेकंड्स में हम लोग पहुंच गए 93 फ्लोर पे और मेरे कान भी बंद हो गए थे लिफ्ट में। तो अब ये वाला नज़ारा देखने के बाद तो मेरी आंखें और मेरे कान दोनों खुल चुके हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पूरे ना चारों तरफ ही शीशे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। और वेदर आज बहुत अच्छा है तो फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आने वाली है। तो चलिए फटाफट से आपको भी दिखा देती हूँ और मैं भी थोड़ा सा घूम लेती हूँ, ये बहुत सुंदर। और यहाँ पे 3 लेवल हैं देखने के लिए, अभी हम लोग फर्स्ट लेवल पे हैं और सेकेंड लेवल भी देखेंगे कि उसमें क्या है और थर्ड लेवल भी। तो फिलहाल तो अभी हम लोग फर्स्ट लेवल घूमते हैं। तो फर्स्ट लेवल तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था, चारों तरफ से पूरा न्यूयॉर्क दिख रहा था इसमें। और ये स्टेनलेस स्टील्स के बने हुए हैं और बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। और अब हम आ गए हैं सेकंड लेवल पे और ओ माय गॉड, एक अलग ही लेवल की फील आ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हीलियम बैलून सी बैलून है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी फुल एंजॉय के मूड में आ गई हूँ अब। तो चलिए
तो अब हम जा रहे हैं लेवल 3 देखने, क्योंकि बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं था वहां से निकलने के लिए, बट फिर भी उनको जबरदस्ती लेके आए कि चलो पूरा कवर करना है आज। तो हम लोग थर्ड लेवल पे आए हैं और यहाँ की फील तो बहुत ही अलग है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा स्क्वेरी भी लग रहा है नीचे देखने में, बट हिम्मत करके फिर भी मैं थोड़ा सा आगे निकली और यहाँ भी बच्चों ने फुल इंजॉय किया है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन लगी है फोटो खिंचवाने के लिए, और ये पूरा ग्लास का बना हुआ है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है। पूरा नीचे का व्यू पूरा क्लियर दिख रहा है, पूरा ग्लास का है। और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आंखें बंद करके फोटोग्राफ्स वगैरह मैंने यहाँ क्लिक करवाई है। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे फोटो क्लिक कराने का। उसके बाद जो हमारे हाथ में बैंड था उसे स्कैन करने के बाद ये जो क्लाउड्स है इसमें आपकी फोटोज आती है पूरी क्लियर। तो उस तरीके का ये एनिमेशन टाइप से बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा। ये मेरे हस्बैंड की फोटो गई है, मेरा बैंड गुम हो गया था इसलिए मेरी फोटो नहीं आ पाई, बट बाहर का व्यू बहुत अच्छा था। ये अभी मेरा छोटा बेटा है उसका आ गया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरी फोटो नहीं आई तो क्या हुआ, हम यहाँ पे अपना खुद ही डांस करके खुद ही फोटो बनाएंगे। तो अब हम लोग अपने शू कवर जो हमें दिए गए थे वो हम रिमूव कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर कैफेटेरिया की साइड, और यहाँ पे हम थोड़ा सा आराम से बैठेंगे, थोड़ी पेट पूजा करेंगे। साथ में यहाँ पे बार भी है तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं, और साथ में ही यहाँ पे ओपन डेक है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे गिफ्ट शॉप भी है जहाँ से आप जो चीज़ चाहे बाय कर सकते हैं, और साथ में ही जो डिजिटल फोटोग्राफ्स आपकी खींची गई हैं वो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इजीली। उसका प्राइस है $25। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।